हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो प्रोसेसर के साथ, आज हम कंपेयर करने वाले हैं जिन दोनों प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और दोनों प्रोसेसर में मिड सेगमेंट आपको देखने को मिलती है। एक का नाम है क्वालकॉम की तरफ से बिल्कुल न्यू प्रोसेसर जो कि कुछ दिन पहले क्वालकॉम ने अनाउंस किया था, जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 और एक का नाम है एक्सिनो 9710 जो कि कुछ दिन पहले सैमसंग ने अनाउंस किया था खुद का न्यू प्रोसेसर। तो आज हम बात करें दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन करने वाले, कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट और कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर जानना चाहते हो इस बारे में तो आप इस वीडियो को शुरू से तक देख आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें दोनों प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करते हैं। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 आपको मिल जाती है 7nm FinFET टेक्नोलॉजी में, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और ये पहला प्रोसेसर है जो कि आपको मिड सेगमेंट आपको 7nm FinFET टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलती है। बात करूँ एक्सिनो 9710 की मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये आपको मिल जाती है 8nm FinFET टेक्नोलॉजी में। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की CPUs की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 में आपको CPU मिल जाती है, इसमें आपको कॉर्टेक्स A76 में आपको 4 क्रोर क्लॉक मिल जाती है 2.4 GHz में, और कॉर्टेक्स A53 में आपको 4 क्रोर क्लॉक मिल जाती है 1.8 GHz में। बात करो एक्सिनो 9710 के CPU की, तो इसमें आपको कॉर्टेक्स A76 में आपको 4 क्रोर क्लॉक मिल जाती है 1.8 GHz में, और कॉर्टेक्स A73 में आपको 4 क्रोर क्लॉक मिल जाती है 2.1 GHz में। अब बात करें दोनों में से कौन सा आपको बेटर देखने को मिलते हैं, तो आपको एक्सिनो 9710 से आपको स्लाइडली आपको बैटरी आपको मिल जाती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की GPUs की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 में आपको GPU मिलती है, इसमें आपको एडनो के आपको 620 के आपको GPU देखने को मिल जाती है, और आपको एक्सिनो 9710 में आपको GPU मिलती है, इसमें आपको मान लीजिए कि आपको 72 के आपको GPU मिलती है MP10 टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोनों में से आपको एडनो के GPU आपको साइडली आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की कैमरास की सपोर्ट की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 में आपको कैमरा सपोर्ट मिल जाती है, इसमें 20MP प्लस आपको 20MP का डुअल कैमरा सपोर्ट आपको मिल जाती है। सिंगल कैमरा सपोर्ट की बात करूं, इसमें 32MP आपको सिंगल कैमरा की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें एक्सिनो 9710 के कैमरा सपोर्ट की, तो इसमें आपको मिल जाती है 24MP प्लस आपको 32MP के आपको डुअल रेयर कैमरे का आपको सपोर्ट मिल जाती है। सिंगल रेयर कैमरे की बात करूँ, इसमें 48MP तक का आपको सिंगल रेयर कैमरे की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों की रैम की टेक्नोलॉजी की, तो दोनों में आपको LPDDR4X की आपको रैम की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों प्रोसेसर की डिस्प्ले सपोर्ट की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 में आपको डिस्प्ले सपोर्ट मिल जाती है, इसमें आपको 4K आपको डिस्प्ले सपोर्ट मिल जाती है 60fps में, और आपको एक्सिनो 9710 में आपको 4K की आपको डिस्प्ले सपोर्ट मिल जाती है लेकिन 60fps में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें दोनों फोन की अंतुदु बेंचमार्क स्कोर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 में आपको स्लाइडली आपको बैटरी आपको अंतुदु आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा आपको अच्छी आपको CPU देखने को मिलती है, तो इसलिए इसमें आपको अंतुदु आपको स्लाइडली आपको बैटरी मिलेगा, और GPU आपको थोड़ा सा आपको अच्छा ही देखने को मिलती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको अंतुदु आपको बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें दोनों की AI की, तो दोनों में आपको डेडिकेटेड आपको AI के आपको स्लॉट देखने को मिल जाती है, तो दोनों में आपको सेम ही आपको AI की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।